मिश्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ शिवरात्र जी। पीवी नरसिम्हा राव के समय चारों शंकराचार्य और ये जो रामानंदी समाज है उनके राम नरेशाचार्य करके, अगर मुझे ठीक से याद है तो उनके वो आचार्य हुआ करते थे, इनको मिला के एक ट्रस्ट जो बना, अभी जो कहा ना डॉक्टर जैन साहब ने, जैन साहब ने कि उनको मिला के एक ट्रस्ट बनाया था और उससे उनको ये जिम्मा सौंपा गया था। तो ये लोग जब मैं सुनता हूँ, मैं आज वो मनोज तिवारी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने तो रोड़े डाले, ये इनको पता ही नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया है, और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं इनके बड़े बड़े नेता, जो कहे बड़े बड़े कहे जाने वाले नेता, कि जैसे आज नरेंद्र भाई कर रहे थे वायब्रेंट गुजरात में, मतलब एक जो बात कही आज वायब्रेंट गुजरात में उन्होंने कहा, सुन के लगता है अगर कोई आंख बंद करके सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये जितने भी विकसित देश हैं सब वो तो वो पानी पी रहे हमारे सामने, वो बेचारे ऐसे आंख चकाचौंध करके देख रहे हमारे सामने, ऐसा हम कुछ बन गए हैं। वही सब बातें जो है इनके लोग अब ये राम मंदिर वाले मामले में कर रहे हैं। तो आपने तो वहां रिपोर्टिंग भी की है, जहां तक मुझे याद है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? पहली बात तो मुझे बड़ी इस बात की मतलब चिंता हो रही थी, लेकिन अब वो सही में दिखाई पड़ने लगा है कि ये चारों शंकराचार्य सोशल मीडिया पर बड़ी जल्दी ये हिंदू धर्म के विरोधी, जिनके कंधों पर धर्म के प्रचार का, धर्म के विस्तार का एक तरीके से सदियों से दायित्व है और वो लोग निभा भी रहे हैं, अब उन्हीं को धर्म विरोधी घोषित कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, और शुरुआत भी हो चुकी है, अब धीरे धीरे ये चीज बढ़ेगी। हो क्या रहा है कि पिछले काफी समय से खासतौर से इनको भी पाकिस्तान भेजने की बात की जाएगी, करने लगेंगे लोग, बिल्कुल भेजने लगे, आप देखिएगा, और कई सारे मैं ट्वीट्स लोगों के अब देख भी रहा हूं, बहुत जल्दी उसकी शुरुआत हो चुकी है और अभी काफी कुछ होगा। वैसे ही जैसे ही सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति, कोई कम्युनिटी, कोई ग्रुप आवाज उठाता है तो उनके लिए किया जाता है। धर्म की जहां तक बात है, ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी, मैं इनको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम ये लोग ये बताने की कोशिश तो कर रहे हैं उस दौर में जब कोई सुनना नहीं चाह रहा है, कि वास्तव में धार्मिक पद्धतियां और धार्मिक क्रियाकलाप हमारे शास्त्र कहते क्या है। हम लोगों को भी, बहुत सारे लोगों की चीजें नहीं मालूम, लेकिन उनका पूरा जीवन बीता है, वो लोग गुरुकुल में पढ़े हैं, देखा है, आश्रम में रहे हैं, सारा कुछ तो उन्होंने उसी में बिताया ही अपना समय। ये उस समय भी बहुत दिनों तक, कई दिनों तक धरने पर बैठे थे, मौन व्रत थे, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, बीबीसी में था, मैंने जाकर के वहां रिपोर्ट्स की थी, इनसे बात भी की थी। जिस समय विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था और तमाम उस वहां के जितने प्राचीन मंदिर थे उनको मतलब इतनी बेदर्दी से तोड़ा गया था, सबको याद होगा वो सारी चीजें, ये उसके खिलाफ बैठे हुए थे धरने पे, कोई सुनने वाला नहीं था। वहां के एक अधिकारी से, चूंकि उससे जो संबंधित अधिकारी था जिससे हमें बात करनी थी, जब मैं उनके पास गया तो हमसे कहते हैं कि आपको तो पता ही है कि ये जो बैठे हुए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, इनका इतिहास क्या है, ये तो कांग्रेसी रहे हैं, ये रहे। हमने कहा आप वो सारी चीजें, किसी का इतिहास छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए कि जिस जो आरोप लगाते हुए वह व्यक्ति बैठे हैं वो आरोप सही है कि नहीं, तो उस बतानी पड़ी क्या वो तो चीजें आंखों से दिख रही थी, और ये है कि वो नहीं, वो मंदिर नहीं है, कब्जा है, क्या नहीं है। हमने कहा 300-400 साल पुरानी चीजें जो है, बनारस की प्राचीन गलियों को, वृंदावन की प्राचीन गलियों को आप कब्जा बता दीजिए और विस्तारीकरण के नाम पर और विकास के नाम पर उनको तोड़ डालिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर डालिए, तो वो खराब चीजें हो जाएंगी। उस समय भी बहुत सारे लोग थे इस तरह के आरोप, वो केवल अधिकारी नहीं लगा रहे थे, ऐसे बहुत से लोग इनके बारे में ऐसी बातें कह रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, आपको ध्यान होगा कि जब जो पिछला इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ हुआ, इनफैक्ट वो अर्धकुंभ था, उसका नाम बदल करके कुंभ कर दिया गया, क्योंकि वो 2019 के चुनाव से ठीक पहले वो हो रहा था, 2018 में कुंभ का आयोजन जो था, और वहां पे उसका पूरा इतना, जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि ये राम मंदिर को लेकर के इतनी सारी मतलब एक पूरा शोर शराबा किया जा रहा है, तो उसको लेकर के भी खूब किया गया था। और कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि मतलब उसके लिए तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा हुआ है कि माघ मकरगत रवि जब होई तीरथ पति ही आव सब कोई,
यानी सबको पता होता था जबकि संचार का कोई साधन नहीं था कि इस जो खगोलीय स्थिति होती है जो भौगोलिक स्थिति इसमें खगोलीय स्थिति में उसमें सभी लोग वहां अपने आप पहुंच जाते थे, लेकिन हर जगह जा जा करके मंत्री विधायक ये सारे लोग निमंत्रण देने जा रहे थे लोगों को, कोई तमिलनाडु में जा रहा है, कर्नाटक में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, यानी पूरा उसका किया। तो उसका नाम इन्होंने को मतलब जो सदियों से जो परंपरा चली आ रही है और उसके पीछे शास्त्रीय तर्क है कि क्यों कुंभ है, क्यों अर्धकुंभ है, इन्होंने उस अर्धकुंभ को हटा करके उसको कुंभ कर दिया और जो अब आने वाला है अगले साल उसका नाम इन्होंने महाकुंभ कर दिया। उसको लेकर के भी जो बहुत सारे विद्वान है, शास्त्र मर्मज्ञ है, उन लोगों ने बड़ी पीड़ा जताई थी, मैंने उस पर भी स्टोरी की थी। उन्होंने कहा कि ये तो पूरे धर्म को बर्बाद कर दे रहे हैं, अपने हिसाब से धर्म को चला रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अब धर्म उसी तरीके से चलेगा या ये चलाना चाहते हैं जिसको कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी को जो सही लग रहा है अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से कब उनको मुफीद लग रहा है। ये सही बात है कि मंदिर का निर्माण कार्य अगर पूरा नहीं हुआ है तो नहीं हो सकता, कोई इससे मना नहीं कर सकता, लेकिन हो रहा है इसलिए हो रहा है कि रामनवमी का इंतजार करेंगे तो चुनाव चला जाएगा क्योंकि वो आचार संहिता भी लग जाएगी और तब तक इलेक्शन हो जाना है। अगली दिवाली का इंतजार नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा उसका, जितना जो फायदा लेने की कोशिश है जिसके लिए तो इतनी तेजी से उसको सब किया जा रहा है, बेकार हो जाएगा। तो अपने हिसाब से सारी चीज, आपको याद होगा कि जब शिलान्यास हुआ था तो शिलान्यास के मुहूर्त पर भी सवाल उठे थे कि जिस समय पर हो रहा था वो क्यों हो रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उनके ऊपर। तो अब ये स्थिति है कि जैसे ये चला रहे हैं उसी तरीके से, और हमारा मीडिया इसमें जो है वो बढ़िया और प्रचारित प्रसारित कर रहा है। वो तो मतलब ये होता है नहीं है कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कोई एक राजा थे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनको भी रखा गया तो किसी ने पूछा कि भाई आप वहां करते क्या हैं, आपको तो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं पता है, वहां सारा जो कुछ वार्तालाप होता है अंग्रेजी में होता है। तो उन्होंने कहा मुझे करना क्या है, मैं तो गवर्नर जनरल को देखता रहता हूँ, जहां वो हाथ उठा देते हैं मैं वहां हाथ उठा देता हूँ, जब वो गिरा देते हैं तो मैं हाथ गिरा देता हूँ। तो इसी तरीके से आज का मीडिया और सोशल मीडिया की जो ट्रॉल टीम है वो काम कर रही कि एक शब्द उधर से आया नहीं, किधर से पूरा शोर मचा दो। और सबसे मजेदार स्थिति तो तब होती है जबकि किसी चीज को प्रधानमंत्री जी उनकी तरफ से उसको मतलब कोई चीज लागू कर देते हैं और अचानक से जब उसको वापस ले लेते हैं, तो पहले तो वो लोग उसको उस काम को करने की तारीफ करते हैं और जब वापस ले लेते हैं तब कहते हैं कि देखिए क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है। फिर वो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है मिश्र जी।